से 6 मीटर इसकी डीपनेस होती है या डीप होती है। डायमीटर इसका जो होता है वो होता है 2 से 3 मीटर, 2 से 3 मीटर इसका डायमीटर होता है। मैंने बताया इसकी जो दीवार होती है या इसकी जो वॉल्स होती है वो किसकी बनी हुई होती है, स्टोन्स पत्थर की बनी हुई होती है। लेकिन इन पत्थरों के बीच में क्या छोड़े जाते हैं, छोटे छोटे गैप्स छोड़े जाते हैं। क्यों छोड़े जाते हैं, जैसे मान लो बरसात रेनफॉल हो रही है, इधर बरसात हो रही है, ये जमीन के अंदर बनाई जाती है कुई वगैरह या बेरी वगैरह। तो अब क्या होगा, पानी आएगा तो पानी इन गैप में से बीस इंच तक किसके अंदर आता रहेगा, बेरी के अंदर आता रहेगा। ये पानी इस बेरी में इकट्ठा हो जाएगा और हम लोग जैसे पानी जरूरत होगी वहां से निकालते रहेंगे। तो आगे के बाद समझ में, छोटे गेट क्यों छोटे जाते हैं, आगे इसके जो ऑब्जेक्टिव है मेन मेन वो क्या है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है रेन वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर का कंजर्वेशन करना। मेनली जो ये बाड़मेर और जैसलमेर में किया जाता है, कहाँ पर, बाड़मेर एवं जैसलमेर में, वो एक पोर्टेबल वाटर फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। उतार लो, नोट कर लो, कर लिया, हाँ कर लो कर लो, बता दिए भाई। ये जब आपकी रेन होगी, बरसात होगी, उस समय यहाँ पानी आएगा। ये पानी रिसीव कर कहाँ, गेट के बीच में से रिस करके कहाँ, इस बेरी या कुई में इकट्ठा होता रहेगा। नोट लिया सबने, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, खाद्य। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया खाड़ी। कैसे होती है इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ये मान लो कोई हिली एरिया है, जानते हो हिल, शराब बहुत बढ़िया, ये हिल्स वगैरह बरसात होगी तो इसके ऊपर क्या है, बरसात पानी आएगा, सही है। यहां ये मान लो कोई खेत है, यहां पर क्या कोई खेत है, ये पानी आएगा यहां बहता हुआ इधर चला जाएगा, चला जाएगा नहीं जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक मिट्टी की दीवार बना दूंगा, क्या बना दूंगा, एक मिट्टी की दीवार बना दूंगा। ये कैसी भी हो सकती है, कच्ची भी हो सकती है और पक्की भी हो सकती है। तो ये पानी कहाँ रुक जाएगा, यहां रुक जाएगा, सही है। अब इसके बीच में क्या छोड़ दूंगा, कुछ हॉल वगैरह कुछ जगह छोड़ दूंगा। जैसे मान लो ये खाड़ी में आपका यहां तक भर गया, आगे वाला जो पानी ज्यादा भर गया तो वो इस हॉल की मदद से कहां आगे आ जाएगा, और यहां पर क्या करूंगा, मैं एक और वाल करूंगा।
आगे के बात समझ में। तो इस तरीके से पानी को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, तो इसे क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग खादिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया खादिन नंबर ए, और ये कौन सा खादिन हो गया? खादिन नंबर टू। तो इस तरीके से जो आपके हिली एरियाज हैं उनमें जो है खादिन बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। Mainly made in hilly regions या slope regions, क्या बनाई जाती है इसमें? wall made in farm, farm में wall वगैरह बनाई जाती है। सरप्लस वाटर, क्लेक्ट इन नेक्स्ट खादी, पानी ज्यादा है तो आपका अगले खादी में इकट्ठा हो जाएगा। आगे ये बात समझ में उतार लो। ये तो स्ट्रक्चर ही है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव तो अपने माइंड में। उतार लिए ये लोग कट दिया। नेक्स्ट है इसके, हाँ शाबाश बहुत अच्छा। नेक्स्ट है जो आपका इसका ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस, कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, बरसात का जो पानी है उसका कंजर्वेशन किया जाता है। दूसरा आ गया आपका प्रिवेंट सॉइल एरोजन, इंक्रीज ग्राउंड लेवल वाटर, इंक्रीज मॉइस्चर ऑफ सॉइल, मिट्टी होती है उसकी ये दैट बेनिफिशियल फॉर क्रॉप, प्रिवेंट erosion of humus layer, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो रेन वाटर को कंजर्व किया जाता है, इसके साथ साथ जैसे पहाड़ों से आपका पानी आ रहा है तो साथ में वो क्या मिट्टी को भी बाहर ले जाएगा, तो सामने दीवार आएगी
का अपरदन नहीं होगा। पानी वहाँ इकट्ठा होगा तो कुछ पानी जो है रिसकर या एब्जॉर्ब नीचे की तरफ भी होगा, जिससे क्या होगा आपका ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज ग्राउंड लेवल वाटर, इसके साथ साथ पानी वहाँ इकट्ठा होगा तो आपकी जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर या पानी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे जो आपकी नेक्स्ट जो क्रॉप या फसल आएगी उसमें आपको पानी की मात्रा कम देनी पड़ेगी। प्रिवेंशन एरोजन, इसके साथ साथ क्या होगा, कई बारी से पानी गिरकर आ रहा है तो ऊपर की जो परत होती है उसमें जो है कई तरह के मिनरल्स और खाद वगैरह होते हैं, तो रेन वाटर का उसको बहाकर ले जाता है। तो अगर हम लोग वो खादें बना देंगे तो वो ऊपर की जो ह्यूमस लेयर है उसका एरोजन या अपरदन नहीं होगा। आगे की बात समझ में, चलो नोट करो इसको, है कर लिया तो बस। हाँ क्वेश्चन लिख लो, गिव स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नाडी व्हाट इज स्ट्रक्चर या एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नाडी लिख लिया। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ टांका लिख लिया। राइट शॉर्ट नोट ऑन जोहड एंड बेली, राइट शॉर्ट नोट ऑन जोहड एंड बेली एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कादीन है। तो ये आपका आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, इसके नोट्स वगैरह। हाँ राहुल, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, ओके, बाय ऑल ऑफ यू, सी यू लेटर।